तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ फाइंड माई डिवाइस का यूज करके यानी फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन का यूज करके कैसे खोए हुए मोबाइल को पता लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आपका फोन खो चुका है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% आप उसका जो है लोकेशन को पता कर पाएंगे। तो कैसे पता करना है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर चलता हूँ और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए मेरा फ़ोन खो चुका है, ये वाला पोको का फ़ोन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो सिंपली ये फ़ोन खो चुका है तो इसका लोकेशन मैं ट्रेस करके आप सभी के सामने लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। प्ले स्टोर पर जाइए और इसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे जाइए, फाइंड माई डिवाइस सर्च कर लीजिए। फाइंड माई डिवाइस जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड वाला जो एप्लीकेशन है यहाँ पर दिख रहा होगा, गूगल फाइंड माई डिवाइस। तो अभी गूगल के नेम से हो चुका है, पहले फाइंड माई डिवाइस आ रहा था, अभी अपडेट होकर गूगल फाइंड माई डिवाइस हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर गूगल फाइंड माई डिवाइस आ रहा है, सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, 4 MB की एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगी सारा कुछ सेटअप कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, सारा कुछ A to Z बताने वाले हैं। अब आपको बस क्या करना है, खोए हुए मोबाइल उनका ईमेल एड्रेस रहना चाहिए, यानी कि जो आपने ईमेल आईडी आपने डाला हुआ था इसमें, जो आपका ईमेल आईडी था यानी आपका जो खो चुका है फोन उसमें जो भी ईमेल आईडी यूज किए थे उसको इसमें डालना है। तो सिंपली चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर कुछ ईमेल आईडी यहां पर शो हो जाएंगी जो कि इसी मोबाइल फोन की होती है, लेकिन इस ये वाली ईमेल आईडी नहीं चूज करना है। यहां पर लिख दे, आपको नीचे दिख जाएगा साइन इन एज गेस्ट का ऑप्शन, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपको इस वाला मोबाइल फोन का जो ईमेल एड्रेस होगा या फिर जीमेल एड्रेस, वो सिंपली आपने जीमेल बनाएंगे या फिर प्ले स्टोर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो सिंपली ये तो आपका मोबाइल फोन खो चुका है, मैं जैसे मान लीजिए उस कंडीशन में आपने कहीं लिख कर रखा होगा या फिर याद होगा आपको, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना सिंपली ईमेल एड्रेस डालता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है या फिर जीमेल एड्रेस है उसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद अब क्या करना हो, यहाँ पर टाइप कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ गया। इसके बाद पासवर्ड पूछा जा रहा है, जो भी पासवर्ड बनाते वक्त आपने डाला हुआ था उस पासवर्ड को यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे। चलिए मैंने पासवर्ड को टाइप कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूंगा इसके बाद दिखा देगा पोको M6 Pro 5G, ये देखिए पोको का फ़ोन है, इसमें जीमेल एड्रेस लगा हुआ है, ये शो हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पर देखिए कनेक्टिंग डिवाइस हो रहा है और ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप बने रहें वीडियोज में, सारा कुछ A to Z बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिंग डिवाइस लिख कर आ रहा है, अभी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, आपका जो मतलब जो लास्ट एड्रेस, अब जो भी आपका जो भी लास्ट लोकेशन होगा, जैसे मान लीजिए कई कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये नेट नहीं चालू रहता है तो आपका लास्ट लोकेशन होगा। कई भाई कमेंट करेंगे क्या भाई मेरा अगर नेट नहीं चालू रहे तो किस तब कहाँ का लोकेशन दिखाएगा, क्या करेक्ट लोकेशन दिखाएगा, तब जहाँ पर नेट पहले चालू होकर बंद हुआ था वहाँ का लोकेशन दिखाएगा। तो अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्टिंग जैसे ही हो जाएगा यहाँ पर आपको लोकेशन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कनेक्टिंग हो गया, इसके बाद सेम लोकेशन यहाँ पर शो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी परसेंट भी शो हो रहा है, इस मोबाइल फ़ोन का बैटरी परसेंट भी शो हो रहा है। यहाँ पर अगर वाईफाई से आपका फ़ोन चल रहा है तो वो भी शो हो जाएगा, वाईफाई यहाँ पर मोटो दिख रहा है, यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है। बैटरी परसेंट भी देख सकते हैं, 66%, यहाँ पर 66% हो रहा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पर लोकेशन तो आपने देख ली, ठीक है, यहाँ का लोकेशन शो हो रहा है, लेकिन कई बार ये होता है कि आपका जो है यानी नेट बंद हो जाता है, और नेट बंद करके कहीं बंद करता है और कहीं चालू करता है, या फिर ईमेल आईडी रिमूव कर देता है। उस कंडीशन में अगर ईमेल आईडी रिमूव हो जाएगी तो आपका नहीं जो है डायरेक्ट लोकेशन नहीं ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी जब तक मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है तभी तक। तो सिंपली अब इसमें मोबाइल फ़ोन में क्या क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आसपास आपका घर में ही खोया हुआ है तो यहाँ से प्ले साउंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए प्ले साउंड होने लगा। ठीक है, इसे चाहे तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, साउंड को स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप मैंने कर दिया। इसके बाद इसमें अगर लॉक नहीं डाला है तो इसे सिक्योर भी कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लिक करके। इसमें यहाँ पर मैं पासवर्ड फिर से, यहाँ पर फिर से ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस फिर से टाइप कर देता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा, मान लीजिए आपने पासवर्ड नहीं डाला था उस समय, आपका मोबाइल फ़ोन न्यू था, तो यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा इसके बाद यहाँ पर सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है, सिक्योर माई डिवाइस, यहाँ पर जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड जो भी डालना चाहता हूँ उसे पासवर्ड को सिंपली मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर दे रहा हूँ, आपको भी जो भी आप अपना पासवर्ड डालना चाहते हैं अगर मान लीजिए
तो यहाँ पर सिंपली मुझे, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद नीचे भी कंफर्म करना है वही पासवर्ड, तो चलिए मैं यहाँ पर नीचे भी कंफर्म कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नॉट नाउ पे क्लिक करके इसके बाद कोई भी मैसेज डालना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे हाय, हेलो, जो भी लिखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर मेरा फ़ोन वापस कर दीजिए। इसी भी ऑप्शनल के लिए जो भी आप नंबर यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं 10 अंकों का, उसे टाइप करके सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये डिवाइस बंद हो जाएगा। अभी कोई भी ओपन करेगा तो सिर्फ यही शो होगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा फाइंड माई डिवाइस लॉक, यहाँ पर ये फ़ोन लॉक हो चुका है। अब कोई कॉल करना चाहेगा या फिर फाइंड माई डिवाइस से ही इसे ओपन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब कुछ भी इसमें नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस के थ्रू अब अपने फ़ोन को ढूंढ भी सकते हैं। ये जो सिक्योर डिवाइस है, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से कॉल करके या फिर इसे यहाँ पर सिंपली ये कॉल हो जाएगा जो भी आपने नंबर डाला था। इसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसे अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिक्योर डिवाइस जो लिखा हुआ है, यहाँ से इसे सिंपली जब आपका फ़ोन मिल जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड डाल सकते हैं। देखिए, अभी जो मैंने इसमें पासवर्ड डाला था उसे अगर यहाँ पर टाइप मैं करता हूँ तो ये मेरा डिवाइस डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं पासवर्ड जैसे ही इसमें डालता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा दूँ पासवर्ड, ये देखिए पासवर्ड मैंने डाला, इसके बाद इंटर पर क्लिक किया, ओपन हो गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस में पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड इसमें डालता हूँ, ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आप खोए हुए फ़ोन को ढूंढ सकते हैं फाइंड माई डिवाइस के थ्रू। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका फ़ोन खो गया, नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, जो भी हेल्प रहेगी मैं 100% करूँगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।